बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं डबल स्टाइल दाल चावल, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दो प्याली हमने चने की दाल ली है और एक छोटी प्याली हमने मसूर की दाल ली है, और इन दोनों दालों को हम अच्छी तरह भिगो के रख लेंगे 15 मिनट के लिए। अब हम इन दोनों दालों को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 ग्लास पानी डाल देंगे और 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह प्रेशर लगा देंगे। जब तक हमारी दाल प्रेशर कुकर में पक रही है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। घी में हम 1-1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक डालेंगे, इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। 1/2 किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसको हम 10 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा नज़र आए। 1 टीस्पून सुरख मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हमने पहले दाल में भी डाला था, अगर हमें काम लगेगा तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई प्याज शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम दाल को देखते हैं। दाल हमारी माशाल्लाह से अच्छी तरह गल चुकी है, अब हम इस दाल को चिकन में डाल देंगे। दाल को हमने चिकन में शामिल कर लिया, अब हम इसको अच्छी तरह घोट लेंगे दाल को। प्याली में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दाल में इसकी गुठलियाँ ना बने। ये डालने से दाल में माशाल्लाह इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और इतनी मज़े की दाल बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। देखें चिकन के कैसे रेशे बने हुए, दाल हमारी बहुत ही मज़े की बनी है। इसमें अब हरी मिर्चें कटी हुई लंबाई में कटी हुई डालेंगे। दाल हमारी बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का वो हम शामिल कर देंगे, इसको हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। अब तड़के को हम दाल में शामिल कर देंगे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एकदम दाल हमारी ढाबा स्टाइल बन गई है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और वाइट राइस के साथ हम दाल आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसका। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल हमारे बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे हौसला आप लोगों ने ही देना है। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।